सो इट इज़ 31 जनवरी 2020 मॉर्निंग के 10:50 बज चुके हैं. कल है मेजर इवेंट 1st of Feb. मार्केट ऑन रहेगा. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सैटरडे को जैसे जनरली मार्केट बंद होता है, बट 1st को है हमारा बजट डे, यूनियन बजट, तो उस टाइम पे हमारा मार्केट ऑन है. कल नॉर्मल जो रूटीन के टाइम बोल सकते हो आप कि वो टाइम पे ऑन है. तो देख लेते हैं हम डायरेक्टली आज बैंक निफ्टी को देखते हैं. निफ्टी से पहले ये बैंक निफ्टी का चार्ट, लेट्स ऑन निफ्टी बैंक. देखिए निफ्टी बैंक कल का क्लोजिंग हुआ था ये लेवल पे, आज गैप अप ओपन हुआ. क्यों गैप अप ओपन हुआ? हो सकता है कि कल के दिन पे काफ़ी लोगों ने प्रेशर डाउन किया होगा मार्केट को, तो ये थोड़ा बहुत लाइट करने के लिए आज यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है. लोगों के प्रीमियम कम हुए होंगे पुट्स के और यहाँ पर क्लियर हमको रिएक्शन दिख रहा है. तो स्टिल इतना होने के बाद भी मार्केट पॉजिटिव नहीं है. देखिए यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे हम समझेंगे. लेट्स से कि आपने ये लेवल्स पे कहीं पे शॉर्ट किया हुआ है, पुट बाय किया हुआ है, यहाँ पर आपने एग्जिट किया. यहाँ पर एग्जिट करने के बाद हो सकता है कि फ्रेश बायर्स भी आ सकते थे कि एक एडवांटेज उठाएं ये सिचुएशन का, बट आई कांट सी एनी बायर्स ओवर हियर. मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जोन देख रहा हूँ. ऑलमोस्ट यहाँ पर 1.5 घंटा हो चुका है, 1.5 आवर्स हो चुके हैं मार्केट ओपन होते हुए, स्टिल आई कांट फाइंड एनी गुड ट्रेंड और अच्छी मोमेंटम नहीं हो रही है. क्यों नहीं हो रही है? इट्स अ कॉमन थिंग कि कल है बजट डे, इवेंट डे, और आज के दिन पे इसलिए क्लियर ट्रेंड नहीं दिखेगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा. तो इसलिए मैंने आज के दिन पर प्लान किया हुआ है, इंस्टीड ऑफ 80 क्वांटिटी आई एम गोइंग टू ट्रेड विद 60 क्वांटिटी. देखिए मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से आपको अपना गियर शिफ्ट करना चाहिए और मनी मैनेजमेंट को उस हिसाब से आपको लगाना चाहिए. हर दिन रेगुलरली 80 क्वांटिटी से हम काम कर रहे हैं, बट आज कहीं ना कहीं ये जजमेंट एक लाइक आप बोल सकते हो कि क्लियर फीलिंग आ रही है कि बॉस मार्केट आज के दिन पे साइडवेज होने वाला है, तो मैं क्वांटिटी थोड़ी कम कर रहा हूँ. 60 क्वांटिटी से मैं आज ट्रेड करूंगा. नीचे साइड ये लेवल के साइड ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी है कि गैप फिल के लिए आ जाए. अप साइड में एक ब्रेकआउट आता है तो पॉसिबिलिटी है अपसाइड मोमेंटम आ जाए. दोनों साइड हम तैयार है, दोनों साइड बैटिंग करने के लिए रेडी है. लेट्स सी अगर कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं आपको अपडेट करता हूं. टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड. नोटिस एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे. क्वांटिटी आज लेने वाले हम 60, ब्रैकेट ऑर्डर स्टॉप लॉस डाल देंगे 50 पॉइंट्स का, टारगेट 65 पॉइंट्स का. एंड हो गया 60 क्वांटिटी. अब अगर हम सेटअप देख लेते हैं ट्रेडर्स, सेटअप बहुत सिंपल है. इट्स अ क्लियर ब्रेकडाउन. यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है हमने. एंड अगर हम निफ्टी बैंक को देखेंगे फ्यूचर में, तो अपनी एंट्री हुई है 802 पे, तो यहाँ हम शॉर्ट पोजीशन हमने लगाया 802. स्टॉप लॉस इसमें हम दे देंगे ऑलमोस्ट 890 का. एंड टारगेट इसमें हम दे देंगे ऑलमोस्ट ये लेवल का, विच विल बी 705. मॉडिफाई कर देते हैं यहाँ पर. ऑल राइट, करेंटली 900 के आसपास अपना लॉस चल रहा है. स्टे ट्यून्ड, मैं आपको अपडेट करता हूँ. ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी वन साइडेड मोमेंटम कर रहा है. ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल सपोर्ट बना के यहाँ से वन साइड मोमेंटम कर रहा है. पॉसिबिलिटी है कि हमने ट्रेंड के साथ लिया हुआ है, ये ब्रेकडाउन पे शॉर्ट किया हुआ है. पॉसिबिलिटी की थोड़ा बहुत रिट्रेस कर दिए, जो ऐसे रिट्रेस कर रहा है ये एक पॉजिटिविटी. जैसे कल भी हमने शॉर्ट किया हुआ था, मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड था, और आज मैंने एक इसके साथ लाइक ट्रेंड आज भी डाउन ट्रेंड है, हमने शॉर्ट किया हुआ. एक और चीज़ मैंने इसके साथ ऐड की हुई है, एक जो पॉजिटिव है हमारे लिए, वो है कि बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग है. लाइक निफ्टी ज़्यादा गिर चुका है, बैंक निफ्टी अभी तक इतना नहीं गिरा हुआ है. आपको मैं एक बार कंपेरिजन बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा. तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी का एक डेली चार्ट एंड ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा. तो अभी भी प्रेशर मतलब बना हुआ है बैंक निफ्टी, पॉसिबिलिटी है कि नीचे आ जाए यहाँ से, जो अभी तक लोगों ने इसको रोक के रखा हुआ है. लेट्स सी, दो चीज़ पॉजिटिव होने के कारण मैंने यहाँ पर आज शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ली है, और रिस्क हमने ऑलमोस्ट अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो करंटली 2200-1800 के आसपास अपना लॉस चल रहा है. रिस्क की अगर हम कैलकुलेशन करें तो अराउंड 88 पॉइंट, यहाँ पर कैलकुलेटर निकाल लेते हैं,
88 into 60 क्वांटिटी एट वली 5280 रुपीज़ का अपना यहाँ पर रिस्क है. थोड़ा बहुत अपने कॉस्ट के नीचे आएगा तो मैं स्टार्ट कर दूंगा ट्रेलिंग करना, और अब करंटली 1500 के आसपास ये लॉस बता रहा है. स्टे ट्यून्ड, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ. सुरेडस बैंक निफ्टी 5158 के आसपास आ चुका है. 3400 के आसपास अपना यहाँ पर लॉस बता रहा है. यहाँ पर आपको चार्ट पे दिख रहा होगा ये वन साइड मोमेंटम आ रहा है, इसने पकड़ा हुआ है, ये जस्ट रिट्रेस कर रहा है. अब अगर हमारा ये स्टॉप लॉस परफेक्ट है तो ये इसका रिट्रेसमेंट ये लेवल के या ये लेवल के आसपास खत्म होगा और वहाँ से फॉल हमको देखने को मिलेगा. अगर स्टॉप लॉस हमने परफेक्ट नहीं लगाया तो हम ये रिट्रेसमेंट पे निकल जाएंगे, अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. लेट्स सी, ट्रेंड इसने अभी तक कुछ मेजर चेंज नहीं किया, ये जस्ट जो इसने फॉल किया है उसी का रिट्रेसमेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं. करंटली ऑलमोस्ट 2400 के आसपास अपना यहाँ पर लॉस बता रहा है. स्टे ट्यून्ड, मैं आपको अपडेट करता हूँ. एक बार ये 1015 के आसपास, देखिए अभी भी आया हुआ था यहाँ पर, आपको लो दिख रहा होगा 16 के आसपास, ये अगर एक बार इसको ब्रेक कर देता है ये लेवल को तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपनी रिस्क कम कर दूंगा जो ऑलमोस्ट अभी 5200 के आसपास है. सो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको अपडेट करता हूँ. सुरेडस बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने कॉस्ट, अभी कॉस्ट के भी नीचे आ गया 795-798, तो इट्स टाइम टू ट्रेल अवर स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस को हम ऑलमोस्ट यहां से 880 पे लेके आते हैं ये लेवल पे, ये परफेक्ट लेवल रहेगा. करेंटली 100 रुपीज ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है ये. आज का लो है 780 का, ऑलमोस्ट डे लो के आसपास खड़ा हुआ है. एक बार डे लो ब्रेक करेगा तो हम और ट्वेल कर देंगे और अपने रिस्क और कम कर देंगे. ऑलमोस्ट इसका 780.85 ये लो है इसका. लेट्स सी, लेट्स वेट. ऑलमोस्ट अभी 300-400 का प्रॉफिट बता रहे हैं यहाँ पर. स्टे ट्यून्ड, मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे ही इसका लो ब्रेक करता है. तो सुरेडस बैंक निफ्टी अगेन ऊपर आ चुका है 1900-2000 के आसपास, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये फॉल होने के बाद ऑलमोस्ट ने 786 का लो लगाया और यहाँ से वो वन साइड मोमेंटम इसने अभी जस्ट हाई लगाया है 839.65. अपना स्टॉप लॉस इंटैक्ट है 880 का एंड करेंटली 1900 के आसपास अपना यहाँ पर लॉस बता रहा है. सो स्टे ट्यून्ड, जैसे ही मोमेंटम करता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ. ट्रेडर्स बैंक निफ्टी 870 के आसपास आ चुका है, करंटली 3600 के आसपास लॉस बता रहा है. ये बहुत ही आप बोल सकते हो इसको, ये अनहेल्दी अपसाइड मोमेंटम है. इट्स अ क्लियर स्टॉप लॉस हंटिंग मोमेंटम जो ये वन साइडेड होता है और ये बहुत अनहेल्दी होता है. तो लेट्स सी क्या हमारा स्टॉप लॉस ये लेवल को सर्वाइव कर पाता है या नहीं, या स्टॉप लॉस लेके जाता है. करंटली 874 चल रहा है, नहीं ये अपना स्टॉप लॉस लेके गया. क्लियरली वन साइड मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इट्स अ क्लियर स्टॉप लॉस हंटिंग. आई डोंट थिंक ये यहाँ से ये क्लियर अपसाइड जा सकता है, बहुत ही रेयर. अगर हाँ कुछ न्यूज आ गई हो तो ऐसे मोमेंटम होता है, अपसाइड कंटिन्यू चलता है. रेस्ट ये जो मोमेंटम आई हुई है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिस मोमेंटम इट्स नॉट अ यूजुअल मोमेंटम. यहाँ पर ऑलमोस्ट अपना 4882 का आज अपना हमने यहाँ पर लॉस बुक किया हुआ है. दैट्स इट फॉर टुडे, कोई दिक्कत की बात नहीं, साइडवेज मोमेंटम था और ऑलमोस्ट हमारे कॉस्ट के नीचे भी आया. 786 का इसने लो लगाया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से नीचे नहीं गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया अपना. अब कंटिन्यूज हमने प्रॉफिट किया हुआ है, एक आधा दिन लॉस हो गया तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. अब आज है फ्राइडे, कल सैटरडे जो अनयूजुअल मोमेंटम होगी बजट डन. वैसे भी मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, लास्ट मैंने ये भी बताया हुआ था 2019 के बजट के टाइम पे भी, आज कल भी जो अगर मार्केट जो अनयूजुअल ओपन है तो मैं कल ट्रेड नहीं करने वाला हूँ. मंडे एंड ट्यूसडे को मेरा 1-to-1 सेशन है, दैट्स व्हाई ओन बी अवेलेबल. मैं ट्रेड वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगा. डायरेक्टली मेरा वीडियो जो आएगा वो 5th of Feb से स्टार्ट होगा मेरा वीडियो, 5th of February को जिस दिन मैं ट्रेड करूंगा और आप लोगों के साथ वीडियो अपलोड और शेयर करूंगा. So that's it for today. Thanks for watching. 4882 आज का लॉस हुआ. आई थिंक आई नो बहुत लोग अब कमेंट करेंगे सर आपको यहाँ पर बुक कर देना चाहिए था. अब देखिए गाइज यहाँ पर मैं बुक नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये नहीं पता है. देखिए मैं मार्केट को ऐसा देख रहा हूँ, ओके मुझे नहीं पता कि यहाँ से वन साइड मोमेंटम आएगा. हमने ट्रेंड के साथ लिया ये जो इसके बाद ये मोमेंटम, ये अब आप ऐसा देख रहे हो, मैं मार्केट को ऐसा देख रहा हूँ, ओके तो ये डिफरेंस समझो कि कितना डिफरेंस है.
आफ्टर मार्केट हो जाना, ट्रेड खत्म हो जाना, उसके बाद कमेंट्री करना बहुत ईजी होता है कि हाँ बस ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था. बट इट्स अ मार्केट, इट्स अ गेम जहाँ पर आपको रिस्क उठानी पड़ती है. और स्पेशली ऐसे दिन पे जिस दिन पे नेक्स्ट डे पे बजट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे इकोनॉमी के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए, तो वो टाइम पे मोमेंटम तो आना बहुत ही लाजिब है कि आ ही सकता है मोमेंटम. तो ठीक है, आज के दिन पे लॉस हो गया. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.